हम एक बार तो डर गए थे कि भाई इतनी छोटी मेरी डॉटर 11 साल की है, तो हम लोग तो एक बार डर गए थे कि क्या होगा कैसे होगा करके। मैं डॉक्टर मयूर सर, मयूर जैन सर का पेशेंट हूँ। पेशेंट मतलब मेरी डॉक्टर पेशेंट थी। मेरे डॉक्टर को कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज था, तो हम लोग एकदम से डर गए थे कि क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम लोगों को देखो किसी ने सजेस्ट किया कि आप कुशल केयर में डॉक्टर मयूर जैन से विजिट करके उनसे एक बार मिल लीजिए। तो हमने उनके पास गए, उनसे बात की, उनको पूरा दिखाया, उन्होंने देखा पूरा और उन्होंने बोला कि इनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज है, इनको पेसमेकर लगेगा। हम एक बार तो डर गए थे कि भाई इतनी छोटी मेरी डॉक्टर 11 साल की है, तो हम लोग तो एक बार डर गए थे कि क्या होगा कैसे होगा करके। पर उन्होंने हम लोग को एकदम कॉन्फिडेंस में लेके पूरा प्रोसीजर समझा के एकदम अच्छी तरीके से बताया कि क्या होगा कैसे होगा, उसके आगे कैसे उसकी लाइफ सुधरेगी करके। तो हम लोग ने वही डिसीजन लिया कि डॉक्टर सर से ऑपरेट करवा के लेंगे। और 20-25 दिन पहले हमने ऑपरेट करके लिया, पेसमेकर इम्प्लांट करके लिया और ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ। उन्होंने बहुत वो बच्ची को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने केयर किया, हैंडल किया और जो स्कार है वो भी बहुत छोटा सा आया और हम एकदम से सेटिस्फाइड हो गए थे। और सेटिस्फेक्शन से भी ज़्यादा बहुत अच्छा हम लोग उन पर विश्वास करने लग गए थे। और अभी जो मेरे डॉक्टर का जो है स्थिति, पहले पल्स आता था 41-42, अभी आ रहा है 60+, 70-75। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है उससे। तो हम मैं तो एक बार ये विजिट करूँगा, अगर किसी को हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार आप कार्डिक कुशल कार्डिक केयर में विजिट कर लिए डॉक्टर मयूर सर से। बहुत अच्छे और बहुत फाइन डॉक्टर एकदम से। मैं डॉक्टर मयूर जैन हूँ फ्रॉम कुशल कार्डियक केयर थाने। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ये एक स्पेसिफिक केस हमने किया तो जो बहुत रेयर है, सिर्फ 11 साल की बच्ची में हमने पेसमेकर लगाया है। एंड इसके कुछ और इसके कुछ खासियत है कि जो यंग फीमेल्स में ये हार्ट ब्लॉक होना है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होना इज़ वेरी वेरी रेयर। यूजुअली कंजेनिटल कंप्लीट हार्ट ब्लॉक मतलब जिनको बचपन से हार्ट के बीट्स कम होते हैं, यूजुअली प्रेजेंट इन देयर 30s, लेट 30s। बट हियर द किड प्रेजेंटेड वेरी अर्ली एट द एज ऑफ 11 एंड इनका हार्ट बीट खाली 38-40 के आसपास रहता था। इससे ये प्रॉब्लम हो सकता था कि उसकी ग्रोथ ना हो बराबर, क्योंकि हार्ट रेट कम है तो बॉडी में नॉट ग्रो। एंड इसके काफ़ी मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर कि वेदर शी शुड गेट अ पेसमेकर और नॉट, इज इट रिक्वायर्ड फॉर हर। तो हमने वेरियस गाइडलाइंस से निकाला। तो इफ़ शी इज़ हैविंग सिम्टम्स लाइक शी नेवर यूज टू प्ले, क्योंकि उनका जब खेलते हैं तो हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, तो ये आप गेम को ही खेल पाओगे। तो शी स्टॉप प्लेइंग विद फ्रेंड्स, ये उनमें सिम्टम्स था। शी यूज़ टू फील टायर्ड व्हेन शी यूज़ टू प्ले विद द फ्रेंड्स, या कभी चक्कर जैसा आना या गिडीनेस। इनफैक्ट शी ऑल्सो हैड वन फॉल। सो दीज वेर द इंडिकेशंस टू डू द पेसमेकर केस। यंग लोगों में करने का कुछ हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना पड़ा इस केस में, बिकॉज शी विल ग्रो विथ हाइट। तो हमको ये पता था कि इसका हाइट बीच में ग्रो होगा, तो जो पेसमेकर लेकिन एक बार लग गया, इट इज बिटवीन द क्लेविकल एंड द लीड्स गो इन टू द हार्ट। सो द लेंथ ऑफ द लीड्स इज सेम, बट द बॉडी ऑफ द पर्सन विल इंक्रीज इन हाइट। सो वी हैड टू कीप दैट एक्स्ट्रा amount of loop in the lead so that when the patient grows in height, ये lead थोड़ा stretch हो जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं जहाँ लगाया है वहाँ से ventricle से। That was a major thing which has to be done. We gave a high septal pacing जिससे इनका QRS duration ECG में बहुत short है, that will give longevity and patient को symptoms नहीं आएगा ज़्यादा बाद में। We had to, because she was a female, we had to made sure that the scar is very small and it is not visible. So the scar was small, the pocket was deep. Pocket deep banaya taki machine bahar se na dikhe. And usko stay switcher bhi humne strong liya, because this has to go on for years. This machine will require battery replacement every 10 or 13 years because the battery works for only 10 to 13 years. So har bar ऑपरेशन में तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए पॉकेट भी सही बनना चाहिए। दिस ऑल प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक इन दिस पेशेंट एंड इट वाज एक्चुअली अ चैलेंजिंग केस फॉर अस। लकीली वी कुड गेट थ्रू वेरी वेल, शी हैज गॉट एक्सेलेंट रिजल्ट। द ईसीजी हैज गॉट अ नैरो क्यूआरएस ऑफ 124 एंड द स्कार इज ऑलमोस्ट नॉट विजिबल एंड द किड इज प्लेइंग वेल विद द फेलो किड्स।
I'm very satisfied with this treatment for the patient.